हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। आपके घर में तुलसी का पौधा जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियां तेज होने के कारण आपका भी तुलसी पौधा इस तरह से सूख गया होगा। ये देखिए, इस पे देखिए छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, पर ये जो मेरे तुलसी का पौधा है ये काफी सूख गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तुलसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी और उसके कुछ ऐसे केयर टिप्स बताऊंगी जिसको आप गर्मियों में करते हैं तो आपका जो तुलसी का पौधा है वह फिर से इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे को। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जो कि पूरी तरह होममेड है। अगर आप वो फर्टिलाइजर बना के अपने तुलसी के पौधे में गर्मियों में देते हैं तो आपका तुलसी का पौधा जो है इस तरह से हरा भरा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक नए तुलसी के पौधे के बारे में बताऊंगी जो हमने अपने गार्डन में लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी का पौधा आपके घर में जरूरी होगा क्योंकि दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो काफी स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट है। आपने देखा होगा कि तुलसी का जो पत्ता होता है, अगर आपके आपको किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या फिर कहें तो आपको किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी या जुकाम हुई है तो इसका पत्ता आप काढ़े के रूप में उबाल के पीते हैं तो आपको काफी रिलीफ मिलता है। इसकी पत्तियां काफी कारगर होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण को और हनुमान जी को बिना तो इसके भोगी ही लगता है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आए। तो आइए बात कर लेते हैं कि गर्मियों में आप अपने तुलसी का ख्याल किस तरह से रखें। तो सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तुलसी जी की मिट्टी काफी पोरस और भुरभुरी होनी चाहिए। देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी पोरस और भुरभुरी है। अगर आपकी मिट्टी पोरस और भुरभुरी नहीं होती है, अगर चिकनी होती है तो आप अगर इसमें पानी डालते हैं तो पानी ऊपर ही रहेगा और वो चिकनाहट रहेगी। अगर आपकी मिट्टी पोरस है तो आप पानी डालोगे ना तो तुरंत पानी नीचे आपके ड्रेनेज खोल से निकल जाए तो आपकी मिट्टी में कोई भी फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपके तुलसी का पत्ता जो है, देखिए ये पत्ता जो है इस तरह से पीला पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या है इसमें इसके पत्ते पीले पड़ने लगे, तो इसका कारण है ओवर वाटरिंग। आप अपने तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका तुलसी का पत्ता जो है वह पीला पड़ने लगता। तो प्लीज आप इसमें पानी रुक के दे, जब देखें कि आपकी मिट्टी इस तरह से थोड़ी सूखी हुई है, हल्की नमी है, तो तभी आप इसमें पानी दें। अगर दोस्तों आपके तुलसी के पौधे में मंजरियाँ, देखिए इस तरह से मंजरियाँ लग रही हैं, तो आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं, मैं इसको निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो तुलसी का प्लांट है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो करे। अगर ये मंजरी इसमें लगी रहती तो ये जो तुलसी का प्लांट है मेरा वो ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि सारी एनर्जी तो यही ले लेता है। तो मेरे और भी तुलसी के जो इस तरह से टहनियां निकली हैं, ब्रांचेस निकली है, वो ग्रो नहीं हो पाती। अगर आपको ये मंजरी रखनी है, अगर आपको सीड चाहिए तो आप ये मंजरी रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप इस मंजरी को इस तरह से कट करके निकाल सकते हो। आप देखेंगे आपकी तुलसी का पत्ता जो है वो थोड़ा काला पड़ने लगेगा, उसमें माइट्स लगने लगेंगे। तो आप इसके लिए क्या करो कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो या फिर आप नीम का एक इंसेक्टिसाइड बना के इस पे स्प्रे कर सकते हो। मैंने नीम का इंसेक्टिसाइड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हो। आप उसे बना के अपने तुलसी के प्लांट पे डाल सकते हो जिससे आपके तुलसी के प्लांट में कोई भी इंसेक्ट माइट्स नहीं लगेंगे, आपका तुलसी का पौधा जो है इस प्रकार हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुलसी को कितने घंटे की धूप चाहिए गर्मियों में, क्योंकि दोस्तों धूप काफी तेज हो रही है, हमारा तुलसी का प्लांट जो है वह बहुत तेजी से सूख रहा है। तो दोस्तों आप इसको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दिखाओ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है सुबह की धूप थोड़ी ना छन की आती है, वो हल्की धूप रहती है, और दोपहर में जो धूप होती है काफी तेज रहती है, जो डायरेक्ट हमारे प्लांट पर पड़ती है ना तो हमारे प्लांट की पत्तियों का पानी जो है वो बहुत तेजी से सूखने लगते हैं। तो आप दोपहर में इसको शेमी शेडेरियम रखो या फिर नेट के नीचे रखो, सुबह में आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखो जिससे आपका प्लांट जो है वह काफी अच्छी तरह से ग्रो। आप 3 से 4 घंटे इसको सुबह की धूप जरूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं एक और तुलसी के बारे में आपको बताऊंगी, तो ये है वो तुलसी, इसे हम थाई बेसिल कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये तुलसी जो है ना वो थाईलैंड में काफी पाई जाती है, इसे हम कॉमन लैंग्वेज में डावना भी कहते हैं हमारे यहाँ। इसके आप इसकी मंजरी को देखिए, काफी ज्यादा फूल इसमें आए हुए, काफी सुगंधित है ये, इसकी महक ना काफी अच्छी होती है। यहाँ पास में मैं बैठी हूँ तभी इसकी महक आ रही है, आप इसके फ्लावर को देखिए। ये जब मंजरी इसकी सूख जाती है ना, ये देखिए इस तरह से सूख जाती है ना, तो आपको अगर इसका प्लांट चाहिए आप इसकी मंजरी को ना तोड़ के अलग से सॉइल मिक्स बना के पॉट में लगाओ ना तो आपके पास ढेरों प्लांट इसके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी अलग प्रकार की थाई बेसिल। चलिए बात कर लेते हैं अपने तुलसी में हम फर्टिलाइजर कौन सा दें।
क्योंकि ना दोस्तों इस समय जो है कि गर्मियां काफी पड़ी है ना, तो हमारा तुलसी के प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, तो हम इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे ये काफी अच्छी तरह से ग्रो करे। वैसे तो तुलसी में ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं लेना चाहिए, देना भी चाहिए तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें, तुलसी को कम ही फर्टिलाइजर दें, क्योंकि ये तुलसी जो है मेडिसिनल प्लांट है, ये काफी अच्छी तरह से खुद ही ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने तुलसी के प्लांट में ज्यादा फर्टिलाइजर ना दें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट है, ये काफी अच्छी तरह से खुद ही ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी चाय पत्ती, आज मैं अपने तुलसी के प्लांट में ये चाय पत्ती डालूंगी। यह मैंने यूज नहीं की है, बिना यूज की हुई चाय पत्ती ली है, क्योंकि दोस्तों तुलसी के प्लांट में अगर आप ये चाय पत्ती देते हैं तो क्या है कि आपके तुलसी की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता काफी अच्छी तरह से बनी रहेगी, और जो प्लांट है वह हरा भरा और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये इसमें उपस्थित नाइट्रोजन आपके तुलसी की मिट्टी को एसिडिक मीडियम का बना के रखेगा, जिससे आपका जो प्लांट है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसमें डालूंगी ये हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है प्लांट्स के लिए, इस प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे इसके लिए मैं ये हल्दी डालूंगी। आपने देखा होगा कि आपके तुलसी के प्लांट में माइट्स लग गए होंगे, चींटियां भी लगती है, तो ये काफी अच्छा फंगिसाइड है इसके लिए। तो आज मैं ये दोनों फर्टिलाइजर अपने तुलसी के प्लांट में डालूंगी। दोस्तों हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, अब हम अपने 1 लीटर पानी में ये 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के रख देंगे। ये देखिए एक दोस्तों ये मेरी बिना यूज की हुई चाय पत्ती, इसलिए मैं इसमें ये 2 चम्मच डालूंगी। आप यूज की हुई चाय पत्ती को भी अच्छी तरह से धो के डाल सकती हैं। देखिए अब मैं दोस्तों इसको ना 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे इसमें जो पूरी तरह से जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो पानी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और सबसे अच्छा और बेस्ट फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो गए हैं, ये देखिए आप इसमें कितना अच्छा कलर आया हुआ है, इसमें जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो पूरी अच्छी तरह से इस पानी में मिल गया है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं आपको कैसे अपने तुलसी के प्लांट में इस फर्टिलाइजर को देना। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने तुलसी के प्लांट की जो मिट्टी है उसे अच्छी तरह से कोड़ लेना है, ताकि ये जो फर्टिलाइजर है इसके नीचे तक पहुंचे, इसकी जड़ों में काफी अच्छी तरह से पहुंचे। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है आपके तुलसी के लिए। मैं सभी प्लांट को अपने तुलसी के सभी प्लांट में इसको दूंगी। दोस्तों मैंने काफी दिन से अपने तुलसी के प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर बना के नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं होती है तुलसी के प्लांट में फर्टिलाइजर। पर इस समय आपकी तुलसी देखेंगे काफी जल्दी से सूख रही है, क्योंकि गर्मियां काफी तेज पड़ रही हैं, गर्मियों में तुलसी की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अब मैं इसको दोस्तों मैंने अपने तुलसी के सारे प्लांट में ये फर्टिलाइजर दे दिया है। अगर आप देखें कि आपका तुलसी का पौधा 1 महीने में 2 महीने में सूख रहा है, तो आप फिर से इसको ना के दे सकते हैं। ये साथ साथ मैं इसमें हल्दी डालूंगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जड़ों में कोई फंगस ना लगे, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी हल्दी डालूंगी। हल्दी जो है काफी अच्छा फंगिसाइड है और पूरी तरह होममेड है। इसको डालने से आपके तुलसी के प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि चींटियां भी लगती है आपके तुलसी के प्लांट में, वो भी नहीं लगेंगी। आपके तुलसी के प्लांट में जो काले काले माइट्स लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं हल्दी के प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये फर्टिलाइजर और मेरे द्वारा दी गई तुलसी की संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।